तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीबी कैंपस में। तो दोस्तों, आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की, हिंदी में बात करें तो समय और कार्य की। तो दोस्तों, ये हमारी कौन सी पार्ट होगी? तो ये हमारी टाइम एंड वर्क का वीडियो 8 होगा, यानी क्लास 8 होगा। और आपको हम अब तक के टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने का अब तक का सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं, और बिल्कुल आसान सी भाषा में। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? आपको हमने एलसीएम मेथड बता रखा है, मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड बता रखा है। अब देखते हैं कि जो दोस्तों पहले ए कितने दिनों में कार्य कर रहा है, तो आप कहेंगे सर जी 10 दिनों में कार्य कर रहा है, और बी कितने दिनों में कार्य कर रहा है, तो 15 दिनों में कर रहा है। हमें निकालना क्या है कि दोनों मिलकर के एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये दोनों का दिन है, जो दोनों जितने दिन में कार्य करते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी 10 × 15 कर देते हैं, और फिर से उसको हम जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? 10 + 15, यानी हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a × b, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देंगे, यानी a + b। अब करेंगे इसको सॉल्व, 10 और 15 जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 10 × 15, और जब 10 और 15 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब इसको कटा देते हैं, 2 × 5 = 5, 10 × 5 = 25, और ये क्या हो जाएगा 5 × 3 = 15। इसको मल्टीप्लाई तो क्या करा हो जाएगा, 3 × 6, तो ये हो गया 6। और हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 6। क्या करते हैं दोस्तों, पहले दोनों जितने दिन में कार्य करते हैं उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर इजीली आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अपने बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि सर हमें एलसीएम करने में, एलसीएम निकालने में दिक्कत होती है, तो उसी को लेकर के हमने रात भर मेहनत करके आपके लिए बहुत ही इजी सा ट्रिक लाया है। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 3 वाला है। तो 3 वाला क्या है, ए बी तथा सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि तीनों मिलकर के एक कार्य को आरंभ करें तो कितने दिनों में समाप्त होगा? तो सबसे पहले आप बताइए ए कितने दिनों में कर रहा है, तो आप कहेंगे सर जी 12 दिनों में, बी कितने दिनों में, तो भैया अरे 15 दिनों में, और सी कितने दिनों में कार्य कर रहा है, तो 20 दिनों में। तो आपने 2 वाला समझ लिया है, और अब आता है 3 वाला। तो 3 वाले को हम कैसे करेंगे? तो 3 वाले को करने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों को गुणा कर देंगे a × b × c। अब आता है नीचे जोड़ेंगे कैसे, तो तीनों को नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कैसे, पहले करेंगे a और b को गुणा करके जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे b और c को गुणा करके जोड़ेंगे, और फिर c और a को गुणा करके जोड़ेंगे। देख लेते हैं ऊपर क्या हो जाएगा, 12 × 15 × 20 हो जाएगा। अब नीचे कैसे करेंगे, तो नीचे करेंगे a × b, यानी 12 × 15 + फिर b और c है, यानी 15 × 20 हो जाएगा, फिर प्लस है c × a, यानी 20 × 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 × 15 × 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब 12 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 180 हो जाएगा। फिर से प्लस है तो प्लस, 15 × 30 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 300, एंड प्लस 20 और 12 में करेंगे तो ये हो जाएगा 240, कितना हो गया 240। इसको कर देंगे 12 × 15 × 20, और बटा में जब तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया अरे 720 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। ये 10 से 10 कैंसिल, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, और ये हो जाएगा 3 × 5 = 15। तो जब तीनों मिलकर के कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो आप कहेंगे 5 दिनों में, और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा, 5 दिन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी तथा सी किसी काम को 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो दोस्तों फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, a × b × c बटा में ab + bc + ca। ठीक है, तो a का मान a कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में, b कितने दिनों में दोस्तों, 15 दिनों में, और c हमारा 20 दिनों में कर रहा है। फिर क्या करेंगे, फिर सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, पहला क्या है 10 × में
15 प्लस फिर क्या हो जाएगा हमारा b इंटू सी 15 गुने में 20 फिर क्या हो जाएगा हमारा प्लस सी ए कितना हो जाएगा 20 गुने में 10 इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10 गुने में 15 गुने में 20। अब क्या करेंगे सबको गुना करेंगे तो 15 डहा में हो जाएगा 150 यानी 150 प्लस फिर हो जाएगा 15 दुना के 30 यानी 300 ये हो जाएगा ठीक है और आगे क्या हो जाएगा 20 दहा में 200 ये कितना हो जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारे पास 200 फिर सबको लिखेंगे 10 इंटू में 15 इंटू में 20 ठीक है। अब सबको जोड़ेंगे 300 200 500 और एक 650 हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों 650 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब कटा देंगे इसको कैसे कटेगा 5 से 5 तिहाई के 15 और 13 पाँचे 65 मल्टीप्लाई कर देंगे 20 दुना के 20 तिहाई 60 हो जाएगा और बटा में 13 यानी 60 बटा 13 दिनों में जो है तीनों मिलकर के काम को खत्म करेंगे। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे ये उसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 चौका 52 8 बटा में 13 यानी 4 पूर्णांक 8 बटा 13 दिन में तीनों मिलकर के करेंगे। फिर से अगला क्वेश्चन क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा यदि राम श्याम और राम यदि राम और श्याम किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं मतलब कि दोनों जो है मिल करके 6 दिनों में पूरा करते हैं और राम उसी काम को अकेले 10 दिनों में पूरा करता है तो श्याम उस काम को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। आप डर जाएंगे और कहेंगे सर ये तो एलसीएम मेथड से होगा लेकिन हम आपको इस मेथड से भी करके दिखा देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ये जो 10 दिन और 6 दिन में है ऊपर तो इसको हम क्या करेंगे ऊपर इसको गुना कर देते हैं फिर क्या करते हैं अब आते हैं घटाने की बारी में जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो दोस्तों जब भी दोनों साथ में कर ले रहे हो और एक को अकेला पूछा जा रहा है तो ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं यानी ये क्या हो जाएगा 10 माइनस का 6 ठीक है। अब क्या हो जाएगा 10 गुने में 6 और बटा में 10 में 6 जाएगा ये कितना हो जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 4 इसको कटाएंगे 2 दुना के 4 और 2 पाँचे 10 2 तिहाई 6 अब गुना कर देंगे 5 तिहाई 15 दिन कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा 15 दिन। फिर आते हैं आगे आगे हमारा क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों तो अगला क्वेश्चन है हमारा ई तथा एफ मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं यदि ई अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है तो एफ उस कार्य को अकेला कितने दिनों में करेगा। सिंपल दोस्तों क्वेश्चन वही है क्या करेंगे हम जितने दिन दे रखे हैं ऊपर उसको गुना कर देते हैं और ज़्यादा वाले में से कम को हमेशा माइनस करते हैं यानी 30 माइनस का 10 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 10 गुने में 30 और बट्टे में 30 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा इसको कटाएंगे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 15 दुना के 30 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 15 दिन और कौन सा ऑप्शन सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है 15 दिन। दोस्तों ये था हमारा अब तक का टाइम एंड वर्क का सबसे आसान तरीका सॉल्व करने का। आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।